नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। आगरा के सबसे बड़े विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 1207 कन्याओं का सामूहिक विवाह देखना एक अद्भुत नजारा है, जिसके लिए उन्होंने श्रम विभाग को बधाई भी दी और साथ ही नवविवाहितों को कुशल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी। और साथ ही उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना 2.5 साल पहले चलाई गई थी। अब तक हर समाज के 1 लाख जोड़ों की शादी हुई है। हर जोड़ों को 75,000 रूपए दिए जाएंगे, 65,000 रूपए श्रमिक के खाते में और 10,000 रूपए कपड़ों के लिए दिए गए हैं। योगी बोले कि श्रमिक राष्ट्र निर्माता हैं, उनके प्रयास से ही हमें सुविधाएं मिलती हैं। उनके बच्चे उपेक्षित महसूस ना करें, इसलिए योजना चलाई गई है। खाना बदोश लोगों के लिए 18 मंडल में अटल विद्यालय शुरू किए गए हैं। आगरा के कुरई में भी अटल विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। अपने भाषण के बाद मुख्यमंत्री अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित आगमन को लेकर निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। खेरिया हवाई अड्डे से शिल्प ग्राम तक के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए। इसके अलावा वे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एक दूसरे का हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ, जहाँ जहाँ भर बैठे हैं, पास में बैठे हैं, सामने कलश रखा है, कलश में पानी भरा हुआ है, तो दादा जी का नाम भी स्मरण कर रहे हैं, जो कन्या के पिता के पिता का स्वागत करेंगे पानी के साथ। पशे माक्षि जजत्र हिरई रंगई तुष्ट वामस्तनु शरदाशतम जीवेम शरदाशतम। इकाइयों से जुड़े हुए जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनकी कन्याओं की शादी अभी पिछले दिनों 20,000 से अधिक शादियां संपन्न हुई हैं और एक साथ एक जगह में इतनी बड़ी मात्रा में शादी का एक कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहा है, जहां पर 1260 जोड़े आज दाम्पत्य जीवन के साथ बंध करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इसके लिए श्रम और श्रम एवं सेवा योजन मंत्रालय के विभाग के द्वारा प्रत्येक बालिका की शादी के लिए 75,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 65,000 रुपए उनके रजिस्टर्ड श्रमिक के खाते में जाते हैं और 5,000 रुपए वर और वधु के स्वयं के कपड़ों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए श्रम और सेवा योजन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। जिन कन्याओं की आज शादी यहां पर संपन्न हो रही है, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए उन सब के सफल दाम्पत्य जीवन की कामना भी इस अवसर पर करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। वे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, कन्या कन्या होती है और उस कन्या की शादी के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की थी। मैंने देखा कितनी सफल योजना प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में संपन्न हुई। देखिए, आज आगरा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि 1260 जोड़ों का सामूहिक विवाह श्रम विभाग के द्वारा संपन्न हो रहा है। इसमें 65 मुस्लिम समाज की कन्याएं भी हैं और उनका निकाह उनके मुल्लाओं के द्वारा हो रहा है और हिंदू रीति रिवाज से अपने ब्राह्मण पंडितों के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आशीर्वाद देने के लिए सभी को आ रहे हैं और प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ उपस्थित रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सबके प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से
जिन्होंने लगातार 15 दिन तक मेहनत करके इतने सारे जोड़ों को बनाने का काम किया। और श्रम विभाग में जो 1% का सेंस जो लगता है उसका जो राशि इकट्ठी हो गई थी उस राशि से ये सारा व्यय हो रहा है। और एक कन्या पर 75,000 और दूल्हे पे 75,000, ऐसे लगभग 1.5 लाख रुपए का व्यय एक जोड़े पर आ रहा है श्रम विभाग की तरफ से। मैं सबकी बुरी बुरी प्रशंसा करूंगा, विभाग की बुरी बुरी प्रशंसा, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा कि उनके प्रयासों से एक ऐसी योजना बनाई जो गरीब लोगों के लिए और जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और इस योजना को क्रियान्वयन करने का काम जो इस विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने लगातार पूरे विभाग ने लग के इतने सारे जोड़े बनाए और कोई दिक्कत कमी ना रहे। और एक और ध्यान रखा गया था विभाग की ओर से कि 18 वर्ष से कम की कोई कन्या ना हो और 21 वर्ष से कम कोई दूल्हा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। और मुझे लगता है ऐसी कोई, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, इतने सारे दूल्हा दुल्हन का चयन होना है तो बड़ा मुश्किल पड़ता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। फिर भी बहुत प्रयास करा गया है कोई गलती ना रहे और सबको साधुवाद। आगरा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।